हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल में। चलिए अब हम सीधे अब टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक ये है कि समन क्या होता है, इसे कौन जारी कर सकता है, समन मामला वारंट मामला कब बन जाता है, इसे डरना चाहिए या नहीं। यदि किसी व्यक्ति के नाम समन जारी हो जाता है तो वह व्यक्ति उसको देखकर डरने लगता है, वह छिपने लगता है कि वह बहुत बड़ी आफत आ गई या हम गिरफ्तार कर लिए जाएंगे या हमको पकड़ लिया जाएगा। तो इससे डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ये केवल एक बुलावा पत्र होता है जिससे कि जिस व्यक्ति के नाम जारी किया गया है वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके और अपनी बात रख सके। समन मामला धारा 2 बा क्लोज बा के अंतर्गत दिया गया है। समन मामले सामान्य प्रगति के होते हैं। समन मामला ऐसा मामला है जो किसी अपराध से संबंधित है और वारंट मामला नहीं है। इसमें सज़ा 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम कारावास से दंडनीय या केवल जुर्माने से दंडनीय या कारावास या जुर्माने दोनों से दंडनीय अपराध समन मामले के अंतर्गत आते हैं। अब हम बताएंगे कि समन मामला वारंट मामला कब बन जाता है। यदि न्यायालय को ये प्रतीत होता है कि अभियुक्त या तो फरार हो गया है या समन का पालन नहीं करेगा अथवा समन की सम्यक तामीली के बावजूद निश्चित समय पर गैर हाजिर रहता है एवं गैर हाजिरी का कोई कारण नहीं बताता है, तो न्यायालय कारणों का उल्लेख करते हुए गिरफ्तारी के लिए समन मामले में वारंट जारी कर सकता है। समन एक ऐसा आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निश्चित तारीख समय एवं स्थान पर हाजिर होने के लिए आदेश दिया जाता है। धारा 61 समन की अनिवार्य शर्तें बताती है। अनिवार्य शर्तें ये हैं कि समन लिखित होना चाहिए, 2 कॉपियों में होना चाहिए, ये निम्नलिखित में से किसी के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा होना चाहिए, उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश किसी अधिकारी द्वारा होना चाहिए, समन जारी करने वाले न्यायालय की मुद्रा लगी होनी चाहिए। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा समन भेजे जा सकते हैं, धारा 61 क्लोज 1 में बताया गया है। वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी हो सकता है, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन समन जारी करने वाले न्यायालय हो सकते हैं। समन जारी किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, किसी अन्य लोक सेवक द्वारा भी किया जा सकता है। धारा 62 क्लोज 2 एवं क्लोज 3 ये बताता है कि जिस व्यक्ति के नाम ऐसा समन जारी हुआ है उसे समन की 1 कॉपी दी जाएगी, दूसरी कॉपी के पृष्ठ भाग पर समन प्राप्ति का हस्ताक्षर करेगा। धारा 64 ये बताती है कि जब समन किए गए व्यक्ति ना मिले तब समन किसे दिया जाएगा। यदि वे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जिसके नाम समन किया गया है, वे समन की तामील उस व्यक्ति के परिवार के किसी वयस्क पुरुष सदस्य के पास उस व्यक्ति के लिए छोड़कर की जा सकती है जो उसके साथ रहता है, परंतु नौकर पर की गई समन की तामील अवैध मानी जाएगी क्योंकि नौकर परिवार में शामिल नहीं माना जाता। धारा 67 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन भेजने के बारे में बताती है। जैसे कि कोई व्यक्ति है वह अपने क्षेत्र में रह रहा, जिस क्षेत्र की अधिकारिता में वह न्यायालय नहीं आता जो उसे समन जारी कर रहा है, तो वह न्यायालय उस व्यक्ति के क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास
उस समन को भेजेगा जो दो कॉपियों में होंगे, और फिर वह मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को समन जारी करेगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा और साथ में घंटी का बटन भी दबाइएगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।